हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं फिर से मुंबई के अंधेरी इलाके में, और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को साउथ मूवी से लेकर बॉलीवुड मूवी तक धमाल कमाल मचाने वाले महान कलाकार, अभिनेता और विलन का रोल अदा करने वाले प्रदीप रावत जी का घर दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रदीप रावत जी कौन है मैं सबसे पहले आपको बता दूं। आप लोगों ने 2008 में एक गजनी मूवी आई थी जिसमें लीड रोल में आमिर खान जी थे और उसमें एक विलेन का रोल अदा करते हैं जिसका नाम रहता है गजनी, वही है हमारे प्रदीप रावत जी। उसके पहले साउथ मूवी में 2005 में ही गजनी मूवी आ चुकी थी, उसमें भी उन्होंने विलेन का रोल अदा किया था। और आप लोग यहाँ पर सैकड़ों मूवी उनकी देखे होंगे, महेश बाबू के साथ, अल्लू अर्जुन के साथ, चिरंजीवी के साथ, किसी के साथ भी, सबके साथ उन्होंने मूवी कर चुका है। और आप लोग यहाँ पर एक सीरियल आता था महाभारत, जिसमें वो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का रोल निभाए थे और उन्हें आज तक याद किया जाता है उस रोल को निभाने के लिए। लेकिन वो अभी भी कई सारी मूवी करने वाले हैं जो कि साउथ की मूवी है या और बॉलीवुड की मूवी है, वो सबके साथ बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम कर चुके हैं, विलेन का रोल अदा कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं कि हमारे प्रदीप रावत जी मुंबई में कहां पर रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनके फैमिली में कौन कौन है, उनका नेटवर्थ क्या है, उनका घर कैसा है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मन रहता है कि जिन्हें हम बड़े पर्दों पर देखते हैं उनका हम रियल लाइफ जरूर जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे रहते हैं, उनका उनके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उनका घर कैसा है। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको उन्हीं का घर दिखाने वाले हैं, यानी कि गजनी का घर दिखाने वाले हैं, अश्वत्थामा का घर दिखाने वाले हैं, प्रदीप रावत जी का घर दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा नज़दीक चलते हैं और आपको हम उनके घर को एक्सप्लोर करके अच्छे से दिखाते हैं। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी के बाजू में यानी कि बगल में उनका वो बिल्डिंग है जिसमें वो अपना घर लेकर यानी अपना फ्लैट लेकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं और एक बिल्डिंग इसके आगे है, यानी चार बिल्डिंग है यहाँ पर टोटल। और इसी में से एक बिल्डिंग में वो रहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं और उस बिल्डिंग के कौन से फ्लैट पर रहते हैं, आगे वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और इसका एड्रेस भी बताएंगे। और अभी हम आपको मेन गेट पर ले चल के दिखाएंगे, जहां से एंट्री होता है वहां पर भी चल के काफ़ी नज़दीक से दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, प्रदीप रावत जी एक बहुत ही अच्छे भारतीय फिल्म कलाकार और अभिनेता हैं। वह हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम फिल्मों के विलेन के किरदार में हमेशा नज़र आते रहते हैं। दोस्तों, प्रदीप रावत का पूरा नाम प्रदीप राम सिंह रावत है। इनका जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनके पिता का नाम MS रावत और माता का नाम MM रावत है। प्रदीप रावत जी एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। इन्होंने 1980 में कल्याणी से शादी की थी और इनके दो बेटे हैं, विक्रम रावत और सिंह रावत। ये दोनों लोग परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रदीप रावत ने अपने करियर की शुरुआत B.R. चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा के रूप में की थी। वह युग में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी मार्शल के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने धारावाहिक जय माता दी में विभिन्न भूमिकाएं भी निभाई हैं। वह बॉलीवुड फिल्मों में यादगार भूमिकाओं में थे, जैसे कि सरफरोश सुल्तान के रूप में, लगान में देवा के रूप में, गजनी 2005 में राम और लक्ष्मण के रूप में, और इसके हिंदी रीमेक गजनी 2008 में भी इन्होंने विलेन का रोल निभाया था। जब से प्रदीप रावत जी ने महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की भूमिका निभाई थी, तब से इस शो के बाद उनकी दमदार भूमिका देख फिल्म निर्देशक निर्माता अपने फिल्मों में खलनायकों के किरदार निभाने का ऑफर देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप लोग यहां पर जो लेफ्ट साइड में तीसरी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग के सबसे ऊपर से 8वें फ्लोर पर हमारे प्रदीप रावत जी का आशियाना है, यानी कि घर है। अभी हम आपको नज़दीक ले चलेंगे और वहां से इनके बिल्डिंग को नज़दीक से दिखाएंगे कि इनका मेन गेट कैसा है। तो फाइनली हम लोग मेन गेट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर लिखा है इम्पीरियल हाइट्स, तो यही उनका मेन गेट है और इसी रास्ते से वो जाते आते रहते हैं। उनकी पूरी फैमिली इसी बिल्डिंग में रहती है और ये 44 फ्लोर का टावर है, यानी कि वो नीचे से 38वें फ्लोर पर और ऊपर से 8वें फ्लोर पर रहते हैं।
यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से मेन गेट को सजाया गया है। शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर गार्ड भी लगे हुए हैं। अगर अंदर जाना है तो सबका आधार कार्ड और इनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक किया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को आना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे परमिशन लेके अंदर आया हूँ। तो यही उनके घर का मेन गेट है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको थोड़ा सा उनकी बिल्डिंग को भी दिखा दें। ये रही उनकी बिल्डिंग। 38वें फ्लोर पे हमारे प्रदीप रावत जी यानी कि गजनी का रोल अदा करने वाले और अश्वत्थामा का रोल अदा करने वाले प्रदीप रावत जी इसी बिल्डिंग में अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ अभी भी रहते हैं। तो देखिए जिन्हें हम बड़े बड़े पर्दों पर देखते हैं उनका रियल में घर कैसा है आपको मैं यहाँ पर खुद दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 4 टावर है और इसी सबसे किनारे वाली बिल्डिंग में वो रहते हैं। प्रदीप रावत जी की जल्द ही साउथ और बॉलीवुड की 5 मूवी आने वाली है। वो एक मूवी के लिए करीब करीब 4 से 5 करोड़ चार्ज करते हैं, उनका फीस इतना होता है। और उनके पास मर्सिडीज GLS 350D भी है जिसकी प्राइस 87 लाख रुपए है। BMW 730LD भी है जिसकी प्राइस 1.31 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज GLS क्लास 450 है जिसकी प्राइस भी 1.11 करोड़ रुपए है। वहीं पर इनके पास रेंज रोवर वर्ग भी है जिसकी प्राइस करीब 2 करोड़ रुपए है और टोयोटा लैंड क्रूजर भी है जिसकी प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। यानी कि इनके पास ना लग्जरी गाड़ियों का पूरा शोरूम है। प्रदीप रावत जी साउथ की मूवी और बॉलीवुड मूवी के साथ साथ टीवी सीरियल में भी काम कर चुके हैं। 1988 और 1990 में महाभारत में अश्वत्थामा का रोल अदा कर चुके हैं। 1994 में तहकीकात में भी इन्होंने अपना रोल अदा किया है। फिर चंद्रकांता में भी ये नज़र आए थे, युग में भी नज़र आए थे। ऐसी तमाम टीवी सीरियल हैं जिसमें प्रदीप रावत जी काम कर चुके हैं और कई सारे अवार्ड भी यानी पुरस्कार भी इनके नाम हैं। 2004 में विजेता है ये फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार में, जो तेलुगु की मूवी आई थी साई उसके लिए। 2004 में विजेता इन्होंने फिर सीईओ के लिए संतोषम सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार भी जीता था। और इन्होंने 2012 में मनोनीत हुए थे मंगला के लिए नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए। तो ऐसी कई सारी मूवी हैं जिसमें इन्होंने विलेन का रोल अदा किया है और उसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया है। दोस्तों आपको बताते चलूं, इसी इलाके में यहाँ पर रेमो डिसूजा, आयुष्मान खुराना और करीब 22 लोग रहते हैं जो टीवी एक्टर्स हैं और हीरो हैं। मैं सबके घर का वीडियो बना चुका हूं, आपको बारी बारी से सभी के घर का वीडियो मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत ही ऐसे ऐसे एक्टर और हीरो हैं और विलेन हैं जिनका पूरे यूट्यूब पे अभी कहीं भी हाउस एड्रेस से लेकर घर का वीडियो नहीं दिया गया है ना बताया गया है, लेकिन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ टोटल 22 लोगों के घर का। तो जल्द ही आपको बारी बारी से सभी के घर का मिलता रहेगा। उम्मीद करूंगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रदीप रावत यानी कि गजनी का घर दिखा दिया है, जो यहाँ पे विलन का रोल अदा करते हैं और साउथ की मूवी में अधिकतर उनको देखा जाता है। तो इसी बिल्डिंग के 38वें फ्लोर पर वो रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। उनके दोनों बेटे बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उनका यहाँ पर जबलपुर मध्य प्रदेश में भी घर है और मुंबई में भी उनका एक घर है इसके अलावा, लेकिन उनकी पूरी फैमिली इसी घर में यहीं पर रहती है साथ में। उम्मीद करूँगा आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टर के घर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।